हेलो एवरीवन मेरा नाम है नटवर सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं पड़ोलॉजिको so, आज हम पढ़ेंगे पेनन्सुला प्लेटियो के बारे में दिस वीडियो इज ए स्मॉल बिलियम्स ऑफ पेनसोलर प्लेटियो तो इस तरीके से कुछ हमारा पेनेंसोलर प्लेटियो दिखता है चलिए आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स पेनेंसुलर प्लेटियो इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स दैट इज पेनसुला एंड प्लेटियो सो व्हाट इज पेनसुला पेनन्सुला मींस अ पीस ऑफ लैंड एनक्लोज्ड अ पीस ऑफ लैंड एनक्लोज्ड ऑन थ्री साइड बाय वाटर thrusting out from larger body of land like this you can see india so india ke teenon taraf kya hai pani hai that is why it is known as peninsula or peninsular country okay here is one more example now peninsular plateau ab ye kahan par hai the location of peninsular plateau lies to the south of northern plains of अब जैसे ये आप देख सकते हैं नदन प्लेन्स है हमने पहले ही पढ़ लिया था ये यहाँ पे नदन प्लेन्स तो जस्ट साउथ ठीक है जस्ट नीचे की तरफ जो है ये आप देख सकते हैं सो so, okay, दिस इज पेनसुला ओके दिस ये यहाँ पे क्या है अरेबियन सी दिस इज इंडियन ओशियन एंड अगेन दिस इज अगेन एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल नाउ पेनन्सुलर प्लेटियो वाट इज प्लेटियो एक्चुअली प्लेटियो मीन एन अपलैंड अपलैंड मास यू हैव सीन द वीडियो तो उसमें आप पहले ही देख चुके हैं किस तरह का अपलैंड मास होता है ओके इट इज मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामोफिक रॉक यू कैन सी लाइक दिस ये देखिए एक नॉर्मल जमीन है और उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ है टेबल लैंड की तरह सो दैट इज वाई इट इज अ plateau. ओके पेनेसुलर क्यों है क्योंकि उसके इंडिया के तीन तरफ क्या है पानी है ओके पेनेंसुलर प्लेटियो में सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है अरावली रेन से यहाँ से स्टार्ट होता है ये ये जो आपको सारे जो ब्राउन ब्राउन एक लाइन्स दिख रही हैं दैट इज ऑल द प्लेटियोज ओके अब इसमें भी दो पार्ट है एक तो सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंड इज डन प्लेट्यो सो ये यहाँ तक तो सेंट्रल हाईलैंड है यहाँ तक यू कैन सी दिस वन और यहाँ पे जो ट्राइंगल शेप आपको दिखेगा ये ये आप ये जो हो गया ये प्लेट्यू हो गया ट्राइंगल शेप एंड द अपो पोशन दिस इज सेंट्रल हाईलैंड इन पैलेंसल प्लेट्यो वे आर रिवर्स लाइक नर्मदा तापी महानदी गोदावरी दामोदर ओके एंड इट फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग इन वर्टिकल मूवमेंट्स ना यू कैन सी फॉल्टिंग वॉट इज फॉल्टिंग ये देखिए आप जब रिवर जाती है पहाड़ को कट करते हुए दैट इज फॉल्टिंग ओके नाउ पेनेशल द दिन ट्रैप अपन नीचे वाले की बात कर रहे हैं हम लोग तो वहां पर क्या है मोस्टली ब्लैक सॉइल है तो कहीं पे आपको एक ब्लैक सॉइल मिल जाएगी कहीं पे रेड सॉइल मिल जाएगी सो पेनेशल प्लेटियो इज रिच इन वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक मैग्नीज आयरन मीका कोल बॉक्साइड गोल्ड एंड कॉपर यू कैन सी द ब्लैक सॉइल कोल एंड दिस इज द हाईलैंड एरिया ओके एंड दिस इज द माइनिंग पार्ट माइनिंग एरिया अब यहाँ पर आप देख सकिए पेनेस प्लेटियो के दो पार्ट्स हैं सो यू कैन सी पेनेसोलोर प्लेटो इज डिडेड इन टू टू पार्ट ठीक है इसमें भी सेंट्रल हाईलैंड में भी अलग अलग है मालवा प्लेटियो बुंदेलखंड भागलखंड छोटा नागपुर प्लेट्यो तो अरावली रेंज के ईस्ट की तरफ आप देखेंगे तो वो है और उस वेस्ट की तरफ डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है अरावली रेंज रेंज के सो बुंदेलखंड भाकलखंड छोटा नागपुर एंड डेकन में डेकन ट्रैप वेस्टर्न गार्ड्स ईस्टर्न गार्ड्स एंड गर्दर्न ईस्ट एक्सटेंशन हम उसकी भी बात करेंगे अभी नेक्स्ट द सेंट्रल हाईलैंड द नर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनसुला नॉर्थ ऑफ विद्यांचल या विद्या इज नोन एज सेंट्रल हाइलैंड नाउ बाउंड्रीज ऑफ सेंट्रल हाईलैंड आर बाउंडेड बाई अरावली रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट गंगा प्लेन्स ऑन द नॉर्थ एंड विद्याचल रेंज और विद्या रेंज ऑन साउथ सेंट्रल हाइलैंड आर वाइडर इन वेस्ट बट नैरो इन ईस्ट तो वेस्ट की तरफ क्या है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं लेकिन ईस्ट की तरफ क्या है वो छोटे थोड़े कम हो जाते हैं छोटे हो जाते हैं तो इतने वाइड नहीं हैं सेंट्रल हाईलैंड तो नेमली जो रिवर है यहाँ पर ये जो रिवर है एक चंबल एक सिंध एक बेतवा केन इस सारी क्या है इट फ्लोज फ्राम उथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट मतलब ये नीचे से ऊपर जाती है साउथ साउथ से ही नॉर्थ की तरफ जाती है ओके ऐसे मीन्स जो मोस्टली रिवर है उसके एकदम अपोजिट नीचे होकर ऐसे जाती है तो मालवा प्लेटो अब मालवा प्लेटो आप ध्यान से देखिए मालवा प्लेटो क्या है ये आप देख सकते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश तो यहां पर क्या है अरावली रेंज ये आपको येलो पोस्टन दिख रहे हैं यहां पर क्या है अरावली रेंज तो हरावली रेंज है उसके यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलेगा और यहाँ पे ग्रीन पार्ट मिलेगा दैट इज मालवा आउट सो मालवा प्लेट्यो इज एटी वन थाउजेंड सेवन सिक्सटी सेवन स्क्वायर किलोमीटर एवरेज हाइट पाँच सौ मीटर द लैंडस्केप स्लोप डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट तो चंबल रिवर जो है वहाँ पे काफ़ी ड्रेन करती है उस पर्टिकुलर एरिया को नॉर्मली जो बड़े बड़े शहर हैं वो हैं इंदौर भोपाल उज्जैन सागर रतलाम और देवास उसके हाण बुंदेलखंड के एकदम ईस्ट में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में तो ये है बुंदेलखंड नॉर्दन पार्ट ऑफ बुंदेलखंड मोस्टली एंटायरली इन यूपी द फ्लैट प्लेन ओके द सेंटर एंड सर्दर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड इज़ कवर्ड बाई अपलैंड एंड हिल्स ऊपर है थोड़ा एरिया और हिल, हिली है द मेजर रिवर है केन बेतवा एंड द इम्पोर्टेंट सिटीज आर कानपुर अलाहाबाद झांसी सागर बागलखंड ये बुंदेलखंड के ईस्ट में है आप देख सकते हैं यहाँ पे द रिवर्स लाइक सोन मैकाल रेंजेस और छत्तीसगढ़ रेंजेस में ये काफी छत्तीसगढ़ की तरफ बागलखंड प्लेटियो है ईस्टर्न मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस तरफ एंड वन मोर थिंग द मोस्ट कोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर फाउंड इन दिस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है काना नेशनल पार्क जो है वो इधर ही है छोटा नागपुर प्लेटियो ये, ये काफी uh, छोटा नागपुर प्लेटियो ये कहाँ पर है हमारे ईस्टर्न इंडिया में है विच इज झारखंड एंड ये जा, ये कहाँ पर है झारखंड स्टेट एंड थोड़ा बहुत पार्ट इसमें क्या आ जाता है उड़ीसा वेस्ट बंगाल बिहार छत्तीसगढ़ ओके हेयर ये रहा छोटा नागपुर प्लेट छोटा नागपुर प्लेट्यो यू कैन सी पर भी आ जाती है एंड जो पैंसठ हज़ार अप्रॉक्सीमेटली इसका एरिया है इत, इतनी इसकी हाइट है यहाँ पे जो माउंटेन इनकी हाइट ग्यारह सौ मीटर से लेके तीन सौ मीटर तक है दामोदर सोन कांसी गया ये सारे क्या है यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स है आप देख सकते हैं देन डेकन प्लेट्यू हम नीचे आ जाते हैं डेकन प्लेट्यू आप देख सकते हैं नीचे वाला एरिया दिस वन पर्टिकुलर दिस एरिया इसकी हम बात कर रहे हैं तो साउथ ऑफ दसुला साउथ ऑफ विद्यांचल रेंज और विद्यालय रेंज आप देख सकते हैं डेकन प्लेट्यू बाउंड्रीज ऑफ डेकन प्लेट्यो क्या है आप वेस्टर्न गार्ड्स ईस्टर्न गार्ड्स को मोस्टली इनको ही पकड़ के रहिए तो ये आपको जो तो इन इसके बीच का जो एरिया है उसे हम बोलते हैं डेकन प्लेट्यो ओके वेस्टर्न विद्यांश या फिर विद्यांचल रेंज भी कहा जाता है इन्हें उसके जस्ट नीचे वाला जो एरिया है वो आपको ये डेकन में आ जाता है तो आप देख सकते हैं टेबल टॉप ये देखिए टेबल ऊपर देखिए ये लैंड मार्क्स तो यहाँ पे है लेकिन ये थोड़ा ऊपर अपलैंड एरिया है वही मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ अपलैंड एरिया दैट इज कॉल्ड plateau. तो डेकन प्लेटियो में क्या है ज़्यादा आपको अप्लान मिलेगा ये जो माउंटेन ये देखिए आप राउंड शेप है ओके माउंटेनज़ राउंड शेप ऊपर से एकदम वो ट्राइंगल uh, शेप नहीं है uh, जैसे पर्वत की जो चोटी होती है वैसा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा उसके अलावा आप डेकन प्लेटियो में आगे आप देखें तो गोदावरी रिवर काफ़ी इसमें मेन रिवर है सबसे बड़ी जो रिवर है यहाँ पर गोदावरी है ओके एंड देर ट्रिब्यूटरीज यू कैन सी गोदावरी कृष्ण एंड कावरी थ्री मेन रिवर

डेन प्लेटो दैट इज मेड अप ऑफ मोस्टली लावा एंड यू कैन सी दैट वॉट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट इज हाविंग ओके दिस पर्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड ट्रैप वर्ड डिराइव हुआ है डच वर्ड से ओके एंड इट सिंपली मीन्स की ऐसा हिल जो कि स्टेप लाइक हो मतलब सीडियो टाइप जिससे आप देख सकते हैं ये ऐसा लग रहा है स्टेस बने हो ठीक है तो उसे हम बोलते हैं ट्रैप और यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है और इस तरह का एक स्ट्रक्चर है महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश रीजन में आपको ये ऐसे आ, ऐसा ये ट्रैप मिल जाएगा फिर वेस्टर्न गार्ड्स वेस्टर्न गार्ड्स जो आप देख सकते हैं ये जो है ये ऐसे हम बोलते हैं वेस्टर्न गार्ड्स वेस्टर्न गार्ड्स दिस पर्टिकुलर एरिया ओके आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में वेस्टर्न घाट्स के बारे में वेस्टर्न गार्ड्स आपको स्टार्ट हो जाएगा गुजरात से मध्य प्रदेश से रिवर तापी से नीचे यहाँ पे रिवर है तापी उसके जस्ट नीचे वाला ये आप रेड एरिया देख सकते हैं दैट इज वेस्टर्न गार्ड्स ओके इस तरह का आपको वहां पे हिली माउंटेन्स मिल जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी लेंथ है वो 1600 किलोमीटर है मतलब यहां से लेकर यहां तक ये 1600 किलोमीटर है और इसकी जो एवरेज हाइट है इसकी बारह मीटर लगभग दे आर कंटिन्यूस एंड हायर देन ईस्टर्न गार्ड्स ये लगातार है इसमें कोई गैप्स नहीं है हाइट ऑफ वेस्टर्न गार्ड्स इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जैसे कि आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो इस जो पहाड़ है की हाइट बढ़ती रहेगी तो अन, अनमुदी जो है वो सबसे ऊंचा पहाड़ है यहाँ पर जिसकी हाइट है 2, टू, टू थाउजेंड मीटर तो वेस्टर्न गार्ड्स वेस्टर्न गार्ड्स में आपको जो वाइल्ड लाइफ मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी ओके okay, सो so वेस्टर्न गार्ड्स मोस्टली कहाँ पर है महाराष्ट्र गोवा इन्हें हम बोलते हैं सयाद्री कर्नाटका मैसूर इन्हें बोलते हैं बिलीगिरी रंग देन तमिलनाडु नीलगिरी मलाई तमिलनाडु एंड केरला अनमलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स सो दीज आर लोकल नेम्स ऑफ वेस्टर्न गार्ड्स। ईस्टर्न गार्ड्स की बात करते हैं हम ईस्टर्न गार्ड्स आर एट द ईस्टर्न एजेस एंड दे लाइज एट ईस्टर्न कोस्ट यू कैन सी एंड दे आर नॉट कंटिन्यूस ओके एवरेज एलिवेशन हाइट है स्टेट्स आर उड़ीसा आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु मेली आर उड़ीसा आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु मेली रिवर्स जो वहां पे ड्रेन करती है गोदावरी महानदी कृष्ण एंड कावेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ईस्टन गार्ड्स आर ओल्डर दैन वेस्टर्न गार्ड्स। मतलब ये काफी पुराने हैं वेस्टर्न घाट से भी ईस्टन गार्ड ओके यहाँ पे जो जो हिल्स आपको मिलेगी वो है पोलकोंडा पौल, जवाडी शेरवाई ऐसी ऐसी हिल्स गार्ड्स में आपको मिलेगी देन नर्दर्न ईस्ट नर्दर्न ईस्ट में भी एक प्लेटो है जो इस तरीके का है आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कार्बी मेघालय प्लेट्यो बोलते हैं हम इसे क्या बोलते हैं कार्बी मेघालय प्लेट्यो